Welcome, dear students. Hope you all are fine. Today is Saturday, tenth April, twenty twenty one. We will start lesson number one: the Earth in space. So this lesson falls under the unit number one, geography. I request you all to open the book page number two. Let's start the reading. The Earth, the Sun, and the Moon are all part of the solar system. Here in this picture, you can see.

हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम लोग जिंदा रहते हैं स्पेस इज द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ स्पेस बहुत ही ज़्यादा दूर है ठीक है ना वहाँ लाइट होती है ना एयर होती है बट इन स्पेस देर आर मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मिलियंस ऑफ स्टार जो कि अर्थ से मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर होते हैं वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट बट वी सी सन ड्यूरिंग द डे हुट इज अ फैक्ट नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन इट कैन डैमेज योर आइज़ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम हम लोग सन को जो है हम लोग डायरेक्टली फेस नहीं कर सकते और समटाइम्स हमारी आइज़ जो होती हैं वो हर्ट करने लग जाती हैं द सन इज़ अ ब्राइट स्टार इट इज़ अवज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट सन एक स्टार है और सन किससे मिल के बना हुआ है हॉट गैसेस से और वो हमें हीट भी देता है और लाइट भी तो हम कहते हैं ना कि ये लाइट कहाँ से आती है कौन दे रहा है तो सन से हमें बेसिकली हीट भी मिल रही होती है और लाइट भी मिल रही होती है इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ एंड अदर प्लानट्स द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन वन प्लेस इट स्पिन इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन ट्वेंटी फोर आवर्स स्टूडेंट्स जो सन होता है वो अर्थ से बड़ा होता है और स्पेस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सन ही है ठीक है और जो अर्थ जो होता है वो फिक्स नहीं रहता अपनी जगह पे वो मूव करता रहता है जो अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे जो है वो घूमता रहता है और उसको एक राउंड कंप्लीट करने में अपने एक्सेस पे घूमने में अपने उस एक राउंड को कंप्लीट करने में एक दिन लग जाता है ट्वेंटी फोर आवर्स और ये एंटी क्लॉक वाइज़ का क्या मतलब है आप यू हैव टू मूव टू पेज नंबर थ्री एंड देर इज अ डायग्राम यू कैन सी द रेड एरो रेड एरो से आपको पता चल रहा है ये जो डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन इज नोन एज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में जो अर्थ है वो मूव कर रहा होता है द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड भी मूव करता है और एक साल थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन ईयर लग जाता है अर्थ को सन के अराउंड एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में द मून इज अ क्लोजर टू द अर्थ इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ एंड इट इज़ अ सॉलिड बॉडी मून जो है वो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है ये अर्थ से स्मॉलर होता है अर्थ सन से स्मॉलर है और मून जो है वो अर्थ से भी ज़्यादा स्मॉलर है और ये एक सॉलिड बॉडी है मून की अपनी लाइट भी नहीं होती इट हैज़ नो लाइट एंड नो हीट ऑफ इट्स ओन एंड बेसिकली जो सन से जो रिफ्लेक्शन आ रही होती है लाइट की वो मून पे पड़ती है दैट्स फायर समाइम हम लोग कहते हैं कि मून की अपनी लाइट है दैट्स रॉन्ग मून की अपनी लाइट नहीं होती द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सेटेलाइट बिकॉज इट गोज़ अराउंड द अर्थ द अर्थ एंड मून बोथ मूव अराउंड द सन मून इज नोन एज नेचुरल सेटेलाइट बिकॉज क्योंकि वो अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है और जो अर्थ और मून है वो दोनों सन के अराउंड मूव करते रहते हैं हिर इन दिस पिक्चर यू कैन सी सबसे पहले सन है सन के अराउंड अर्थ भी रोटेट कर रहा है और मून भी कर रहा है और अर्थ के अराउंड जो है वो मून रोटेट कर रहा है सो दिस इज द नेचुरल फिनोमिन नाउ मूव ऑन वॉट कॉजेज डे एंड नाइट अर्ली इन द मॉर्निंग वी से द सन इज़ राइजिंग इन द इवनिंग वी से द सन इज सेटिंग हम लोग हर रोज़ ये बात कह रहे होते हैं एक्चुअली सन कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करता मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है अर्थ जो होता है वो हमेशा मूव करता रहता है जो स्पिनिंग मूवमेंट जो वो घूमता रहता है अर्थ उसकी वजह से डे भी होता है और नाइट भी होती है इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिज द सन इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेस अवे फ्रॉम द सन तो वो वाला पार्ट अर्थ का जो कि डायरेक्टली मून के सन के बिल्कुल सामने होता है जब सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती हैं जिस पार्ट पे पड़ती हैं वहाँ पे दैट पार्ट ऑफ़ द अर्थ द डे एंड दैट पार्ट विच इज़ ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द सन उस पार्ट में हमारे पास नाइट हो जाती है ठीक है द नाइट टाइम फॉर अस इज़ डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ अगर हमारे लिए नाइट टाइम है इट मीन्स दैट कि वो लोग जो कि अर्थ की दूसरी साइड पे होंगे उनके लिए वो डे टाइम होगा इन दिस पिक्चर यू कैन सी आपको ये येलो लाइंस नजर आ रही हैं दीज आर दी ये सन की रेज हैं जो कि डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो है फॉल कर रही हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ जो है ब्राइट भी हो है यू कैन सी इट सो इट मीन्स दैट दिस इज़ डे टाइम हेयर वाइल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ यू कैन सी इट्स टोटली डार्क and there is no sun rays falling on this part of the earth it means that this part of the earth experiences night i hope i made myself clear let's move on land and water the surface of the earth is made up of land and water earth ki jo surface hai, wo land or water say 30% land hai. और सेवेंटी परसेंट जो है वो वाटर है सी एंड ओशंस मेक अप ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस सी और ओशन मिल के टू थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस बनाते हैं द लैंड नियर द सी इज कॉल्ड द कोस्ट एंड इट इज़ यूजली वेरी लो वो लैंड जो कि बिल्कुल सी के पास होती है उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं इट इज एट द सेम लेवल एज द सी सो वी से इट इज इज इट इज एट सी लेवल और वो जो लैंड होती है जो कि सी के बिल्कुल पास होती है वो बिल्कुल सी ले सी के ही लेवल पे होती है तो इसलिए हम कहते हैं सी के दैट द लैंड इज एट सी लेवल इन सम प्लेसेस देर आर हाई माउंटेन्स दे कैन रीच अ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ओवर एट थाउजेंड मीटर अबव सी लेवल कुछ जगहों पे माउंटेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनकी जो हाइट होती है वो ओवर चली जाती है एट थाउजेंड मीटर्स तक माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है एंड इट इज़ इन नेपाल इट्स हाइटेज एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी एट एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी एट मीटर्स हाई सो दिस इज माउंट एवरेस्ट हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ के टू क्लास एंड इट इज़ एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एलेवन मीटर्स हाई और हाइट है इसकी ठीक है इतना ज़्यादा हाई है ये द सेकेंड हाईस्ट पीक इन द वर्ल्ड के टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज वाटर के जो लार्जर एरियाज होते हैं हमारे ठीक है अर्थ के ऊपर उनको हम लोग कहते हैं ओशन और जो स्मॉलर पोर्शन में होते हैं वाटर uh, के जो एरियाज होते हैं उनको हम कहते हैं सी सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है सम पार्ट ऑफ द ओशन आर वेरी डीप देयर आर वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशनज एंड सीज एज यू ऑलवेज नोटिस दिस कि हमेशा वाटर के सर्फिस के ऊपर क्या हो रहा होता है वेव्स आ रही होती हैं द वॉटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट इट इज़ ट्रू बिकॉज वाटर कभी भी स्टिल नहीं रहता इट इज़ ऑलवेज मूविंग दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट सो ये जो वाटर की जो मूवमेंट है सो दीज सो दिस मूवमेंट इज नोन एज करंट वेन देर इज अ अन देयर इज़ अ स्टॉम एट सी दंड कॉज इज हाई एंड रफ वेव जब भी सी के अंदर स्टॉम होता है तो विंड क्या करती हैं विंड की वजह से बहुत ही हाई और रफ किस्म की वेव्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं ठीक है यू शुड नॉट गो टू दी साइड इन स्टॉमी वेदर इट इज़ डेंजरस बिकॉज क्योंकि स्टॉम की वजह से आपकी विंड uh, uh, जो है वो कॉज कर देती है हाई वेव्स, सो जिसकी वजह से इट विल बी वेरी डेंजरस द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ द मरीना ट्रेंच इन दैसिफिक ओशन सो ओशन का जो डीपेस्ट पार्ट है वो है मरियाना फ्रेंच सो so, जो कि पैसिफिक ओशन में है इट इज़ अलेवन थाउजेंड ट्वेंटी टू मीटर्स डीप ऑन द लैंड देर आर हिल्स एंड माउंटेन लैंड पे हिल्स भी होती हैं और माउंटेन्स भी होते हैं हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन। जाहिर सी बात है माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हाई भी होते हैं उनका एल्टीट्यूड भी ज़्यादा होता है कब और uh, किसी माउंटेन का कम होता है लेकिन हिल्स का इतना ज़्यादा नहीं होता द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन इज़ कॉल वैली सो द लो लैंड सो द लैंड विच इज़ लो एंड बिटवीन

some part of the land have very little water. these places are often sandy and rocky and are called desert. for example, here in this picture you can see this is the third desert in Pakistan. और ये total जो है आप यहाँ notice करेंगे total sand है यहाँ पे ठीक है. so जो desert areas होते हैं वहाँ पे water की बहुत ज़्यादा कमी होती है और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा sand होती है rocks होते हैं so बहुत ही कम water होता है. in some parts of the earth there are a lot of ice and snow and it is very cold. वेरी हाई माउंटेंस और ऑफन कवर्ड बाई स्नो जो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेंस होते हैं ऑफ़न उनके ऊपर क्या हो रहा होता है कि देर दे आर टोटली कवर्ड विद आप देखते हैं कि ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेंस या ऐसे आपने कभी नोटिस किया होगा नॉर्दर्न एरियाज में सो so बेसिकली वहाँ पे हाई माउंटेंस होते हैं इन अदर पार्ट दे आर आर थिक फॉरेस्ट एंड एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एंड आइस लैंड आप एंड सेकेंडली अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड ऑन ऑल द साइड इट्स कॉल्ड अ लेक स्टूडेंट्स यू हैव टू हैव अंडरस्टैंड दिस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द लेक एंड आइस लैंड फर्स्ट वो वाला लैंड ठीक है जब एक लैंड जो होती है वो चारों तरफ से पानी से सराउंड हुई हुई होती है पानी जब एक लैंड के चारों तरफ पानी होता है ठीक है उसको हम लोग कहते हैं आइस लैंड ठीक है लेकिन अगर वाटर है एक वाटर की बॉडी है और वो चारों तरफ से लैंड उसको सराउंड किए हुए हैं चारों तरफ उसकी लैंड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लेक कहते हैं फॉर एग्जांपल हेयर इन दिस पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा आइसलैंड ये एक लैंड है ठीक है और चारों तरफ से इसके इसके पास जो है ये चारों तरफ से इसको किसने सराउंड किया हुआ है वाटर ने सो दिस इज़ नोन एज आइसलैंड बट अगर कोई वाटर की बॉडी है और उसको चारों तरफ से ने तर, तरफ से लैंड ने जो है वो सराउंड किया हुआ है तो उसका मतलब है वो क्या है वो लेक है वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स रिवर बिगेन इन दी माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इंटू द लेक्स और द सी इट इज़ important टू कीप our lakes लेक्स एंड रिवर क्लीन हम लोगों को फ्रेश वाटर लेक से भी मिलता है और रिवर से भी मिलता है सो so, रिवर बेसिकली क्या होते हैं वो माउंटेन से होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो करते हुए वो सी या लेक्स में चले जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एंड इट इज़ important फॉर us टू क्लीन आर लेक्स बिकॉज क्योंकि हमारे जो प्लांट्स uh, होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है ठीक है पोलूट डर्टी वाटर कॉजेज एनिमल एंड प्लान लाइफ इन इट To become disease and die out. This upset the life cycle of nature and causes more problems. So uh, if we don't clean our lakes or rivers, it will be very very disastrous for all the uh, you know for all the living things like plants, animals. So it is very harmful if if we don't clean it. There are many other land forms on the earth which you will learn about later. Today in today's lecture we have learned about many many interesting things and you have learned something new today so we have learned about plateaus lakes iceland deserts valley iceland valleys deserts so all these things are totally new for you i i, I thought that uh, you have enjoyed uh, learning this chapter so students um, at the end of your uh, chapter here you can see a picture humne jo kuch bhi isme कि एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन uh, हुई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ डेजर्ट डेजर्ट टोटल सैंड होता है दीज आर द थिक फॉरेस्ट हेयर इज द लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर दिस इज द कोस्ट हमने पढ़ा था ना लैंड नियर द सी इज नोन एज कोस्ट दिस इज द लैंड नियर द सी एंड इट इज नोन एज कोस्ट ये रिवर है माउंटेन से फ्लो के नीचे आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेक है अब ये देखें ये लेक है और चारों तरफ से उसको लैंड ने जो है वो कवर किया हुआ है ठीक है दिस इज़ लेक वाटरफॉल है हमारे पास माउंटेन्स हैं वैलीज हैं प्लेन्स हैं क्लिफ हैं सो ऑल दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस स्मॉल पिक्चर एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर है जो कि आपके इस पूरे चैप्टर को कवर कर रही है होपफुली यू हैव लर्नड न्यू थिंग टूडे बेस्ट ऑफ लक प्लीज़ यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर ऑल बाई योर सेल्फ वंस एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी Thank you so much. Allah Hafiz.